में मौसम इसी तरह से कुछ दिनों तक बना रहेगा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो कल तक सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार सुबह व शाम के समय कोहरा रहेगा। इस समय पूरे क्षेत्र को येलो जोन में रखा गया है, इसलिए अगले एक दो दिनों तक जो अनुमान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार शीतलहर इसी प्रकार बनी रहेगी। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कोहरा ज़्यादा रहेगा, इसलिए अपने वाहन को चलाते समय वाहन की लाइट जलाकर चलें। उन्होंने कहा कि आज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए ठंड ज़्यादा रहेगा और बचाव के लिए गर्म पानी का सेवन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कल तक जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार अभी ये इधर डेंस फॉग की स्थिति बताई गई है और येलो जोन में पूरे क्षेत्र को रखा गया है। तभी जो वर्तमान में भी देखा जा रहा है तो अगले एक दो दिनों तक का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार अभी शीतलहर इसी प्रकार बनी रहेगी। जो तराई बेल्ट के क्षेत्र हैं वहाँ पर फॉग ज़्यादा रहेगा, कुहासा दिन में ज़्यादा रहेगा, तो ऐसी जगहों पर जो भी गाड़ियाँ चलाएं वो अपने हेडलाइट्स को ऑन करके चलाएं। लेकिन अभी जो शीतलहर की संभावना है वो अगले एक दो दिनों तक बनी रहेगी। देखिए नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि शीतलहर अभी जो IMD की सूचना भी थी कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो न्यूनतम गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा शीतलहर की स्थिति है, तो ऐसे में घरों से अगर आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में रहें और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, गर्म पानी पीते रहें जिससे कि ठंडक से आप सुरक्षित रह सकें। और अगले 2-4 दिनों में ये संभावना है कि शीतलहर में थोड़ी कमी है। जनपद में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जाएगा, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आने वाला है, जिसको लेकर हम लोगों की एक तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्कूलों से रैलियां निकाली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को सभी जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, अभी 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे आने वाला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, उसको लेकर हम लोगों की तैयारियां चल रही है और सभी स्कूलों कॉलेजों में विभिन्न तरह के मतदाताओं को जागरूक करने के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। 25 जनवरी को सभी विधानसभाओं में सभी तहसीलों पर मुख्यालयों पर इसके कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें लोगों को पुरस्कृत किया जाना, जो मतदाता जागरूकता के संबंध में अच्छा काम करेंगे, कुछ BLO जो अभी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, मतदाता सूची पुनरीक्षण का, उसमें जो अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को OBC आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी द्वारा OBC आर्मी की वेबसाइट को लॉन्च किया गया, जिसके संबंध में OBC आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने बताया कि ऑनलाइन राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया है। हम लोगों की सरकार से मांग है कि सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों, सांसद एवं विधानसभाओं और प्रमोशन में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाने की स्थिति में बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता देने तथा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग OBC समाज के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा तथा उन्हें एक मंच पर एकजुट कर मजबूती से उनके हक और अधिकार पाने के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारा नारा है, OBC आर्मी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सौ में साठ। OBC आर्मी पिछड़े वर्गों का अपना संगठन है। बताया कि 7 अगस्त को, सही बात है, पिछले साल 2023 में 7 अगस्त को इसी विवेक होटल में हम कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे और उसी समय कार्यक्रम के दौरान ही फोन आया कि आपके पक्ष में ये चीज कोर्ट ने कर दिया है। हम लोगों की एक खुशी का अंदाजा नहीं रहा और खुशी बढ़ गई कि चलिए कम से कम एक काम और हो गया। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कब तक होगा, लेकिन उन्होंने एक अच्छा संदेश दे करके हम लोगों को आगे बढ़ा दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए OBC आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने कहा, जो यह वेबसाइट बनाई गई है दुनिया की 130 भाषाएं में इसको कन्वर्ट करके पढ़ा जा सकता है, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, कोई भी भाषा हो आप पढ़ सकते हैं। और जो हमारा OBC है देश के प्रत्येक राज्य में वह मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, मगर कहीं न कहीं भाषा की बाध्यता आ जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कहीं न कहीं हमारे उनमें संवाद नहीं हो पाता। तो यह वेबसाइट एक कड़ी का काम करेगी, जो एक मंच पर लाने का काम करेगी
उसी डाटा से हम सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि ओबीसी समाज जगते हुए मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करते हुए राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए अब तैयार है, अब हमें झुठलाया नहीं जा सकता। और मैं उनको भी सचेत करना चाहता हूँ जो लोग सत्ता में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे, देश की सत्ता में रहे और आज ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे हैं, हम उनसे सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, जब वो सत्ता में थे तो ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं हमारे लिए काम किया? अब हमें क्या, हम मान लें कि अगर आप दोबारा सत्ता में आएंगे तो आप हमारे लिए कानून बना देंगे, इसलिए ओबीसी समाज अपनी पार्टी खुद बना करके आगे बढ़ने का काम करने जा रही है। चुनाव लड़ेगी ओबीसी पार्टी, यह ओबीसी समाज की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, सदस्यता शुल्क क्या रहेगा? सदस्यता शुल्क वार्षिक है, ₹50 वार्षिक सदस्यता शुल्क इसका है, साधारण सदस्य। उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना माध्यमिक शिक्षा परिषद के ग्राउंड पर 15 दिवसीय चलने वाले मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है, इसके लिए ODOP के तहत लगे हुए सभी स्टॉल संचालकों को बधाई देता हूँ। यहाँ पर हमने कुशीनगर, गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों का स्टॉल देखा, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत कम कीमत पर सामान मिल रहा है। मुख्यमंत्री का ODOP ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके वजह से हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया था उनका वह सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो देश व प्रदेश को दे रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, खादी और ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी का आज यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ अपने ODOP में लगे हुए जितने भी कारीगर हैं, जितने भी शिल्पकार हैं और ख़ास तौर से जितने बुनकर हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। मैंने कुशीनगर का स्टॉल देखा, खास गोरखपुर का देखा और भी कई क्षेत्रों के यहाँ पर प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, तो बहुत कम कीमत पर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं, और मुख्यमंत्री जी का ODOP तो सबसे ज़्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आज हम आत्मनिर्भरता की जब बात करते हैं तो गांधी जी ने जो हमें को संदेश दिया था आज से लगभग 75 साल 80 साल पहले, आज उनका ही वो सपना और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी इस प्रदेश को दिया है और लगातार दे रहे हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है और अद्वितीय। प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि 22 जनवरी एक ऐसा दिन है जिसको हम लोग त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाएं। हम लोग जब इसको त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाएंगे तो इसे जीवन भर हमेशा याद रखेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि 500 वर्षों के बाद लोगों की इच्छा पूरी हुई है, लोग अपने मन से खुशी मना रहे हैं, लोगों के पास शब्द नहीं है कि वह इस प्रकार से इजहार करें। सभी लोगों ने इसे अपने तरीके से महसूस किया और जन आंदोलन बन गया। कल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश उमर पड़ा हो। इसके लिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले सभी नागरिकों व अतिथियों को बधाई देता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, ये कहेंगे कि 22 जनवरी एक ऐसा दिन है कि जिसको हम त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाएं, और अगर हम त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाएंगे तो इसको हम हमेशा जीवन भर याद रखेंगे। 1000 साल नहीं, 10,000 साल इसको याद रखा जाए। बोलो जय। आज मुझे खुशी है, आज खुशी है इस बात की कि 500 वर्ष के बाद लोगों की इच्छा पूरी हुई और लोग अपने मन से खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोगों के पास ये शब्द नहीं है कि किस तरीके से इजहार करें, लेकिन अपने अपने तरीके से सभी लोगों ने इसको महसूस किया और एक तरीके से एक जन आंदोलन बन गया। कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा देश उमड़ पड़ा हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी को, जो भी लोग इसमें लगे हैं, जो सहानुभूति रखते हैं या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सबके प्रति शुभकामनाएं। GDA टावर में दुकानों के इतने सारे स्टॉल बाहर तक लग चुकी हैं, जिसका रोकथाम करना अति आवश्यक है, जो लोगों के आवागमन में बाधा डाल रही है। कुछ दुकानदार अपना स्टॉल और गैस बाहर निकालकर व्यापार कर रहे हैं, इससे दुर्घटना की आशंका बन रही है। आए दिन दुर्घटनाएं आने जाने वाले लोगों को देखने को मिल रहा है। इस पर कई दुकानदारों ने कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों से की है अपील। गोरखपुर जिला अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में
जोड़ में दर्द यानी ज्वाइंट कैप्सूल के मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। यह समस्या सबसे ज्यादा 55 वर्ष से ऊपर की महिलाओं और बुजुर्गों के अलावा कम उम्र के युवा भी जोड़ों के दर्द और कमर दर्द की समस्या को लेकर जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं ऑर्थोपेडिक्स की मदद से फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपको बता दें, जिला अस्पताल में तैनात फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रविंद्र ओझा बताते हैं कि कम तापमान वाली जगहों पर जाने से पहले व्यायाम कर अपने ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य करें और शरीर के तरल को गति में रखें। इससे कोशिकाओं का दबाव और शक्ति घट जाती है और दर्द कम होता है। पुरानी चोट के उभार से बचने के लिए कोशिकाओं को स्ट्रेच करें और पूरी सर्दी में सक्रिय रहें। बहुत कम मगर नियमित व्यायाम पुरानी चोट को खराब होने से बचा सकता है। इसके अलावा शरीर में खिंचाव महसूस होने पर ब्रेक लिए जाने की सलाह दी जाती है। पुरानी चोट के इलाज की जरूरत होती है, जिससे सर्दी के दौरान चोट को ज़्यादा खराब होने से बचाया जा सके। इसलिए जरूरी है कि फिजियोथेरेपिस्ट के सुझाव के मुताबिक अमल करें। साथ ही कुछ व्यायाम जैसे गर्दन का घुमाना, कलाई का घुमाना, टखने का घुमाना, कूल्हे पैर के ऊपर उठाना घर पर रहते किए जा सकते हैं। इससे आपके शरीर और चोट की जगहों पर आराम पहुंचने में मदद मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रविंद्र ओझा ने कहा, देखिए ठंड के मौसम में जो ऑपरेशन वाली जगह है और जो पुरानी चोटें हैं, उस तरीके के मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है। वो दर्द की समस्या लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्चर के मरीज हैं, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है ठंडक की वजह से। और एक सबसे बड़ी चीज़ एक और है, हमारे यहाँ पहले कमर दर्द, घुटने दर्द की समस्या बुजुर्ग लेकर के आते थे, लेकिन अभी युवाएँ जो काफ़ी युवा जो हैं वो भी आ रहे हैं कमर दर्द और घुटने दर्द की समस्या को लेकर के आ रहे हैं। इसका क्या कारण है, बचाव के लिए? देखिए, इसका कारण यह है कि जैसे बुजुर्ग लोगों में क्या होता है कि जो हमारा जो एक लिगामेंट का जो कुशन होता है, जोड़ों के बीच में जो लिगामेंट होता है उसका जो कुशन होता है, वो उम्र के साथ साथ जो उसके ऊपर बीच में जो फ्लूड होता है वो कम होने की वजह से वो जो कैटलेज होता है वो घिसने लगता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। तो बुजुर्गों में तो समझ में आता है, लेकिन जो युवा हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल, जो खराब लाइफ स्टाइल है, समय से ना उठना, समय से ना खाना पीना, और आजकल के जो युवा हैं वो मतलब इंडोर गेम पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो आउटडोर गेम पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में कैल्शियम विटामिन की कमी हो जा रही है और वो उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, कमर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है। और ठंडक में एक चीज़ और भी होता है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ने लगती है, और ब्लड से वेसल्स सिकुड़ने की वजह से जो मांसपेशियों में जकड़न होता है, दर्द होता है, इस तरीके की समस्याएँ होती हैं। तो यहाँ इलाज के साथ साथ उन्हें एक्सरसाइज भी बताया जाता है? जी बिल्कुल, जी हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं, हमारे जो ऑर्थोपेडिक हैं उनको कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, और दवाइयों के अलावा जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो एक्सरसाइज बताते हैं मरीजों को, किस तरीके की एक्सरसाइज, किस उम्र में किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, वो YouTube पर देखकर एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, वो एक्सरसाइज हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट की राय से करें। एक्सरसाइज में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइज भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, पैदल वॉकिंग कर सकते हैं। अगर बहुत ठंड है तो मतलब खुले मौसम में एक्सरसाइज ना करें, वो घर में भी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट की राय से। गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में जिला अस्पताल प्रमुख अधीक्षक के कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर व जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर व और अन्य कर्मचारियों द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनकी स्मृतियों को नमन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर दुर्गेश सिंह, डॉक्टर बी के सुमन, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर एन के वर्मा सहित अन्य डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के दिन गोरखपुर जिला महिला अस्पताल में जिन बच्चों का जन्म हुआ उनके माता पिता ने खुशी में अपने बच्चों का नाम राम और सीता के नाम पर रख दिया। किसी ने अपनी बेटी का नाम वैदेही तो किसी ने अपने पुत्र का नाम राघव रखा। राम और सीता भी लोगों के बच्चों के नाम रखे गए। जिला अस्पताल में प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि सोमवार 22 जनवरी को कुल 11 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें सर्जरी और नॉर्मल दोनों डिलीवरी हुई। जिस समय भगवान राम का अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती उतार रहे थे और उनका भाषण खत्म हो रहा था, यानी कि लगभग दिन के 2:30 बजे, कल तक 6 बच्चों ने जन्म ले लिया था,
जिसमें 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। गोरखपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर जिले से आए हुई प्रसव पीड़िता महिलाओं ने इन बच्चों को जन्म दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर जय कुमार ने कहा, कल जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन था तो हमारे यहाँ कुल 21 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से 10 लड़के थे, 11 लड़कियाँ थीं और जितने भी उनके अभिभावक थे, माता पिता थे, उन लोगों ने भाव विभोर होकर उनका नाम कहीं ना कहीं भगवान राम अथवा देवी सीता जी के नाम पर रखने का एक अपना मनोदशा का वर्णन।